वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है, तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट कैसे हैं, प्लस यहाँ से टारगेट क्या होना चाहिए वो भी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो डेटा शो होगा वो लाख में होगा, तो देखते हैं इनकम कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 268 करोड़ की इनकम है, पिछले क्वार्टर में 251, एक साल पहले 193, तो इनकम बढ़ी है क्वार्टर क्वार्टर पे भी, ईयर ऑन ईयर पे भी। एक्सपेंस देख लेते हैं, तो एक्सपेंस देखेंगे तो इस क्वार्टर में 225 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया, पिछले में 208 का किया था, एक साल पहले 156 करोड़ का किया था। तो एक्सपेंस भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे 42 करोड़ का प्रॉफिट देखने वाला है, पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ 82 लाख का था, एक साल पहले 226 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन साल दर साल देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फाइनल प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड, यहाँ पे 31 करोड़ 97 लाख का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ 88 लाख का प्रॉफिट था, इस साल पहले 166 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कह सकते हैं क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन साल दर साल देखेंगे तो प्रॉफिट में काफी ज्यादा हमें कमी देखने को मिलेगी। तो स्टैंड लोन में जो रिजल्ट है वो क्वार्टर क्वार्टर अच्छे, लेकिन साल दर साल थोड़े से वीक है। अब हम देखने वाले कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डेटा शो होगा आपको लाख में। इनकम देखेंगे यहाँ पे तो 303 करोड़ की इस क्वार्टर में, पिछले में 266 की थी, एक साल पहले 214 की थी, तो इनकम तो बढ़ी है यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। एक्सपेंस देख लेते हैं, तो एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है, पिछले क्वार्टर और पिछले साल दोनों की तुलना में यहाँ पे हमें एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं फाइनल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो अगर आप फाइनल प्रॉफिट देखेंगे प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड, तो यहाँ पे 46 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले 173 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन साल दर साल प्रॉफिट में काफी ज्यादा हमें कमी देखने को मिलती है। तो मॉडरेट रिजल्ट मुझे लग रहा है, जिस तरह से कंसोलिडेटेड में भी आ रहा है और स्टैंड लोन में भी आ रहा है, दोनों में क्वार्टर क्वार्टर अच्छे हैं, क्वार्टर क्वार्टर अच्छे हैं, लेकिन साल दर साल अच्छे नहीं है। तो जरूर कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से मॉडरेट है, बाकी प्राइस एक्शन दिखाएगा कि यहाँ पे आगे कौन से लेवल पे स्टॉक जाना चाहिए। तो चलिए चार्ट पैटर्न में चलते समझते आगे स्टॉक में कौन कौन से लेवल बन रहे हैं। स्टॉक के चार्ट पे आ चुके हैं, देखिए ये स्टॉक जो है वो मुझे काफी अच्छा लगता है इंट्राडे के लिए, क्योंकि मैं इसमें पर्सनली इंट्राडे करता हूँ और काफी अच्छा मोमेंटम आता है। देखिए यहाँ पे 8% का मोमेंटम आया है और 8% का यहाँ पे भी आया है, तो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम आता है और वीक इतनी बड़ी बनती है उसी में हमें मोमेंटम मिल जाता है, टारगेट हिट हो जाता है, इसलिए मुझे ये स्टॉक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए यहाँ से जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर अच्छे, लेकिन साल दर साल वीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो आपको बता देता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट 271.35 का एक लेवल है, अगर ये स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब सेलिंग सिनेरियो है, वहां से स्टॉक गिरते गिरते 241 तक आ सकता है, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो 241 तक आ सकता है। आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि 271 के नीचे क्लोजिंग देता है तो कहाँ तक आ सकता है। अब मैं बाइंग के लिए बताने वाला हूँ, अगर ये स्टॉक संभाव आज का हाई क्लोज कर ले, आज का हाई जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये 300 तक आराम से चला जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, आज का हाई देखिए क्या है, आज का हाई ऑलमोस्ट है, एक सेकंड में आपको देख के बता देता हूँ, आज का हाई है ऑलमोस्ट 286.75, अगर 286.75 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो समझ जाइए आराम से 300 इसका टारगेट हो जाएगा, और मुझे तो लगता है कि 305 तक भी इसका टारगेट हो सकता है। तो सेफ लोग के लिए 300 टारगेट रहेगा, थोड़ा सा रिस्की जो है उनके लिए 305 रहेगा। और याद रखिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये सेफ के लिए ये है थोड़ा सा रिस्की, और जो मतलब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, जैसे कम रिस्क लेकर काफी अच्छा रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं, ट्रेलिंग असर लगा लगा करके इसमें 350 तक भी आप आराम से चेस कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए ये जो रेजिस्टेंस है, समझ लीजिए अगर ये ब्रेक होता है 305 का जो की है, अगर ये एक बार ब्रेक होता है तो जरूर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर एक बार ऐसे स्टॉक गया फिर नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पे लोगों के एसएल रहते हैं, तो वो एसएल जब हिट होंगे तो मार्केट में डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अभी तक लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि क्या किया जाए, बाय किया जाए एसएल किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो लोग का एसएल हिट होगा और वो लोग निकल चुके होंगे तब यहाँ पे बायर ज्यादा रहेंगे, इसीलिए स्टॉक यहाँ एक ऊपर की ओर एक तरफा मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे 300 टारगेट है सेफ लोग के लिए, 305 थोड़ा सा रिस्क है, और जो अच्छा खासा रिस्क लेते हैं जिनको रिवॉर्ड अच्छा चाहिए होता है कम रिस्क के साथ, वो जरूर इसको चेस करते रहिए, 350 तक भी स्टॉक मुझे लगता है जा सकता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टॉक को बाय करने से पहले एनालिसिस जरूर करिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे स्टॉक में आपको देता रहता हूँ और जो भी मार्केट में अपडेट होता है वो भी मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ। तो जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं।